आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी जो कि आखिरी सुल्तान था लोदी वंश का, लोदी डायनेस्टी का, उसकी बात करेंगे। 20वां लेक्चर है दोस्तों ये, इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया पे, और ये मैं पूरी मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से ओवरव्यू दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को जरूर अवेल करिए। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस को कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ 625 रुपए प्रति माह से स्टार्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज की, तो इन सबको मैं कवर कर चुका हूं। जी हाँ, स्लेव या फिर मामलूक डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, हालांकि शुरुआत तो 1192 से हो गई थी जब मोहम्मद ऑफ घोरी की बायोग्राफी कवर कर चुका हूं, ने जीत ली थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और वहीं से ही शुरुआत हो गई थी। और फिर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फाउंड किया था, मतलब पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290। उसके बाद हमने खिलजी डायनेस्टी की भी बात कर ली थी 1290 से 1320, फिर तुगलक्स की भी बात कर ली थी 1320 से 1413, फिर सईद की भी बात कर ली थी। ये एक ही लेक्चर है दोस्तों, चार रूलर्स आए थे, ज्यादा इन सबके सब इनकॉम्पिटेंट थे, कोई बहुत अच्छा रूल नहीं था इनका, 37 साल का सिर्फ छोटा सा रूल था और ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। चारों रूलर्स की बायोग्राफी, चारों सुल्तानों की बायोग्राफी मैंने एक ही लेक्चर में की है। और फिर हमने लोदी वंश की बात की। लोदी वंश में तीन सुल्तान आए थे, सबसे पहले तो बहलूल लोदी। बहलूल लोदी की बात करें दोस्तों तो 1451 से लेकर 1489 1489 तक इसका रूल था, ठीक है, इसकी बात कर ली थी। लोदी वर द फर्स्ट अफगान टू रूल इन इंडिया, याद रखिएगा ये अफगानी थे, ये सब टर्क्स थे लेकिन लोदीज अफगानी थे। और मुगल्स कौन थे? मंगोल्स भैया, तैमूर का डिसेंडेंट था ना बाबर। तो 1451 से लेकर 1489 तक। उसके बाद हमने सिकंदर लोदी की पिछले ही लेक्चर में बात की थी, 1481 से लेकर 1517 तक। और आज हम उसके छोटे बेटे इब्राहिम लोदी की बात करेंगे, 1517 से लेकर 1526 तक। तो ये 8 साल का जो रूल था इब्राहिम लोदी का, उसको हम देखेंगे। और फिर हम मुगल्स के बारे में बात करेंगे 1526 से लेकर 1857 तक। तो सिर्फ और सिर्फ मुगल्स रह गए हैं। बेसिकली हम इसमें 6 सुल्तानों की बात करेंगे, 6 बादशाहों की बात करेंगे। कौन कौन? सबसे पहले तो बाबर, अगले पार्ट में बाबर, हालांकि वो मैं जुलाई में लेके आऊंगा, ठीक है ना, जून। अब यानी कि अगले 5 दिन कोई भी मुस्लिम सुल्तान की बायोग्राफी नहीं आएगी, अब मैं जुलाई में ही लेके आऊंगा, ठीक है ना। आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 26 जून है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हुमायूं, फिर शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख लीजिए मैं 1525 में भारत कैसा था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड कर दिया, इससे पहले बलबन ने कंसोलिडेट किया था, बलबन ने इकट्ठा कर दिया था पूरे भारत को, और पूरे भारत को नहीं मतलब नॉर्थ के एरियाज को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये पूरा साउथ तक एक्सपैंड किया था। तो हमने बताया था ना, ये जो यहां तक का पूरा एरिया है ये सब दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बाद ये सब टूट गया, हर किसी ने सारे किंगडम्स में आजादी ले ली और सब छोटे छोटे किंगडम में बट गए। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलने लगा, हिंदू रूलर्स ने अपनी टेरिटरीज जो है वो वापस ले ली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, ये देखिए अफगान एम्पायर जो है ये कितना छोटे में सिमट गया है, ये ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। ये अफगान एम्पायर दिख रहा है ना, यही लोदी एम्पायर, ये जौनपुर है, ठीक है, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, ये है आपका जौनपुर। और दिल्ली और आगरा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थे, दिल्ली कैपिटल, बाद में सिकंदर लोदी ने आगरा को कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बगल में ही है राजपूत, राजपुताना, राजपुताना की मेवाड़ स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा राजपुताना, तो मेवाड़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी राणा सांगा जो है वो हालत खराब करने वाले इब्राहिम लोदी और बाद में बाबर की, ठीक है ना। तो ये चीज आपको, फिर हम ये पूरा का पूरा, ये बहमानी किंगडम है ये भी 5वें बट गया है, बेरार हो गया, बीजापुर हो गया, बेदार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब अहमदनगर हो गया, ये पूरा बटा हुआ है, ठीक है। और ये सबसे नीचे विजयनगर एम्पायर, जिसने एक तरीके से ये बहमानी किंगडम को 5वें बांट दिया था। इसी दौरान ही दोस्तों स्प्लिट होना शुरू हो गई थी बहमानी किंगडम की, 1489 से स्प्लिट होना शुरू हो गई थी। तो इसी दौरान दोस्तों भारत में बहुत कुछ चल रहा था, और ये हमारा बंगाल है। बंगाल वैसे तो ज्यादातर टाइम तुगलक्स के समय से ही आजाद रहा था, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना भारत कितना बटा हुआ है। अब इसको एक कौन करेगा? अकबर, जी हाँ, अब वो पूरा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की बात करें दोस्तों तो मोस्ट
एक्सेप्टेड जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 1480 है, ऐसा बोला जाता है। इसका जन्म जो है वो 1480 एडी में हुआ था, ठीक है। 1517 से इसने सत्ता संभाली थी। अब सिकंदर लोदी की से पहले हमने बात की थी, उससे पहले हम एक थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नोबेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमने बात की थी बहलोल लोदी किस तरीके से नोबेल्स को मानता था, अगर कोई नोबेल बीमार होता था तो वो खुद जाता था उनसे मिलने। तो बहलोल लोदी ने एक तरीके से सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जरूरी भी था। सिकंदर लोदी आया तो उसने थोड़ा सुल्तान की जो प्रेस्टीज खो गई थी उसको रिस्टोर की, सुल्तान की जो प्रेस्टीज खो गई थी वो उसने नोबेल्स के साथ रिस्टोर की। उसने ये भी देखा कि नोबेल्स बहुत ज्यादा डरे नहीं, और ये भी देखा कि नोबेल्स बहुत ज्यादा सर पे भी ना चढ़े। तो दोनों चीज उसने बैलेंस ऑफ पावर बना के रखी, उसने दबदबा बना के रखा। लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने सब कबाड़ा कर दिया। इब्राहिम लोदी समझता था कि ये नोबेल्स मेरे पैर की जूती हैं, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। ये नोबेल्स को बहुत खतरनाक पनिशमेंट देता था। ये जब कोर्ट पर, ये जब दरबार में आता था तो सारे के सारे नोबेल्स, ये आदेश थे, हाथ जोड़ के खड़े रहे। एक बहुत ही बूढ़ा नोबेल आमिर, वो करने में कामयाब, वो मतलब क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा थी तो वो ये नहीं कर पाया। तो इब्राहिम लोदी ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, वही मार दिया। तो बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट होते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा हत्याकांड चालू था यहाँ पे अगर कोई भी नोबेल्स अपना काम नहीं कर पाते थे। तो इब्राहिम लोदी का ये जो रूल था ना, ये बहुत ही खतरनाक हो गया था। ये इसका एकदम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड आ गया था कि जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। ये तो भैया चलने वाला है नहीं। नोबेल्स के हाथ में बहुत ताकत थी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ताकत, और आप कुछ नहीं कर सकते थे अगर वो अपनी पे आ गए, ठीक है। तो 1517 से लेकर 1526 8 साल तक का इसका रूल चला। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हालांकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, 90 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, हरियाणा में पानीपत जिला है, वहां पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पे भी मेरा एक लेक्चर है, तो वो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी का अंत हो गया था। मजे की बात यह है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब बाबर को किसने इनवाइट किया था, दौलत खान ने, अंकल था इब्राहिम लोदी का, क्योंकि उसका रूल बहुत खराब हो गया था इब्राहिम लोदी का। बाबर की सेना खाली 12,000, इब्राहिम लोदी की लाखों में, उसके बावजूद बाबर जीत गया था। कैसे जीता था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख लीजिएगा, इसमें भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस स्टोरी का, ठीक है ना। तो जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तब इसको थ्रोन मिली 1517 में। हर किसी को लगता था कि ये बढ़िया है, अच्छा रूलर आएगा, अच्छा सुल्तान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हालत खराब कर दी इसने। देखिए इसमें इसने एक चीज कर दी थी, यहां पे हम देखते हैं कि जलाल खान जो कि सिकंदर लोदी का बेटा था, तो जब 1517 में इसने सत्ता को लिया, मतलब हालांकि ऐसा कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ था, लेकिन जलाल खान यहाँ पे दोस्तों अगर सुल्तान के भाई होते थे, बेटे होते थे, और तो पावर ऑफ सक्सेशन होनी ही है, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होनी ही है। तो दो भाइयों में लड़ाई हो गई। जलाल खान ने बोला कि इब्राहिम लोदी को ऐसे कैसे गद्दी पे बैठा रहे हो, मुझे गद्दी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जलाल खान को इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने, इसने जौनपुर दे दिया, ठीक है, जलाल खान को उसने जौनपुर दे दिया, वहां का रूलर बना दिया। तो एक तरीके से दो पावर सेंटर हो गए, एक तो भैया सब कुछ दिल्ली आगरा से चल रहा है, दूसरा जौनपुर से चल रहा है, तो डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे अफगान नोबल्स ने बोला कि क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है वो माना नहीं, और ये चीज सिकंदर लोदी बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन इब्राहिम लोदी ने बोला कि नहीं यही करते हैं, यही बेस्ट है। हालांकि बाद में जलाल खान ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, बिल्कुल इनएफिशिएंट रूलर ये साबित हुआ, तब जाके इब्राहिम लोदी को अकल आई। जलाल खान के साथ जंग लड़ी उसने, जलाल खान को जेल में डाल दिया, उसके बाद जलाल खान को पॉइजन देके मार डाला, और जलाल खान के साथ जितने भी अफगान नोबल्स थे उनको भी मार डाला, और बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा। तो ये चीज थी, यहाँ पे डिविजन ऑफ पावर भी हो गया था, किंगडम को दो में डिवाइड कर दिया था, एक तो जौनपुर जिसको जलाल खान देख रहा था, और एक इब्राहिम लोदी देख रहा था। तो ये जो आइडिया था ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया, यहाँ पे बहुत सारे नोबेल्स ने सवाल उठाए थे कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन ये नोबेल्स की सुनता नहीं था, बाद में इसको रियलाइज हुआ। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, डिस्प्यूट्स विद नोबेल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। नोबेल्स तो चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो और सुल्तान से एक अच्छा रिलेशन बने, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं चाहता था, वो बोलता था कि जो मैं कहूं वही हूं। तो जितने भी अफगान नोबेल्स थे, अब अफगान नोबेल्स आपको मैंने बताया था पिछली बार कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका टर्क जैसा नहीं था,
ये मोनार्की में बिलीव नहीं रखते थे भैया, यहां पे जो सुल्तान था वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इससे पहले जो सुल्तान आए थे वो मोनार्की, ऐसा है कि जो हम बोलेंगे वही होगा चाहे जो हो जाए। लेकिन अफगान्स में ऐसा नहीं था, ये कॉन्फेडरेसी थी। अफगान्स की जो ट्राइब्स थी उन ट्राइब्स में से एक लीडर को गद्दी पे बैठाया जाता था, तो यहाँ पे पावर ज्यादा नोबल्स के पास थी, तो यहाँ पे इनका भरोसा जितना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इब्राहिम लोदी इसमें असफल रहा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसी का कारण था कि दौलत खान ने बाबर को इन्वाइट कर दिया। राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जिनको बोला जाता है, राजा कुंभा के पोते, वही राजा कुंभा जिन्होंने पूरे मेवाड़ को फोर्टिफाइड कर दिया था, जगह जगह किले बना दिए थे दोस्तों, ताकि अटैक हो ही ना पाए। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहां पे राणा सांगा ने, राणा संग्राम सिंह ने नाक में दम कर दी थी। दो बैटल लड़ी थी दोस्तों, 1517 में बैटल ऑफ खटोली, 1518 में बैटल ऑफ ढोलपुर, और दोनों ही जीत ली थी राणा सांगा ने। आगरा को अटैक कर दिया था, सब कुछ खत्म, आगरा को अटैक करने की धमकी दी थी तो सब कुछ खत्म हो जाता दोस्तों। अब हालांकि इस पे भी मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, बैटल्स बिटवीन राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा था कि यहाँ पे राजपूत बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और एक तरीके से इब्राहिम लोदी भी अवॉइड कर रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन इब्राहिम लोदी ये चाह रहा था कि राजपूत किंगडम को हम एनेक्स कर ले। इधर राणा सांगा को पता था कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत तो समय नहीं थी, लोदी एम्पायर को हम अपने कब्जे में ले सकते हैं, आगरा को अटैक करके वो पूरा एरिया हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो दोनों ही चाह रहे थे कि एक दूसरे पर अटैक करें। एक बैटल लड़ी जाती है खटोली में, एक बैटल लड़ी जाती है ढोलपुर में, 1517 में खटोली, 18 में ढोलपुर, दोनों ही बैटल जीतते हैं राणा सांगा। अब यहां पे राणा सांगा 5 घंटे में सब कुछ साफ करके चले जाते हैं, खटोली में आते हैं, उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है, राणा सांगा 5 घंटे में पूरी सेना को साफ कर देते हैं। जितने एरियाज, जो प्रोमिनेंट एरियाज थे ना बाहर साइड के, वो भी ले लेते हैं राणा सांगा। तो बहुत ज्यादा इब्राहिम लोदी को नुकसान होता है, उसके सारे क्षेत्र भी जाते हैं, उसकी वेल्थ भी जाती है। इब्राहिम लोदी को ही प्रिजनर बना देते हैं राणा सांगा, और जब ढेर सारा पैसा मिलता है तब राणा सांगा इब्राहिम लोदी को छोड़ते हैं। इब्राहिम लोदी दोबारा कभी भी राणा सांगा की तरफ पलट के देखते ही नहीं, हालत खराब हो जाती है यहाँ पे इब्राहिम लोदी की। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसा भी बोला जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भी इनवाइट किया था कि बाबर मतलब आओ और हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं और इब्राहिम लोदी को हटा देते हैं और एक नया रूल एस्टैब्लिश करते हैं। अथॉरिटी डेफिनेटली राणा सांगा की ही रहेगी, लेकिन दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि राणा सांगा ने बाद में बाबर के साथ बैटल लड़ी, ठीक है ना। देखिए मुगल्स का रूल तो 1526 में एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन बाबर ने अगले 4 सालों तक सिर्फ जंग ही लड़ी है और उसके बाद फिर वो मर गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका रूल जो था वो इतना ज्यादा अनबियरेबल हो गया था कि दौलत खान पंजाब का गवर्नर वो सीधा बाबर को इनवाइट कराया। अब दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे आ जाते हैं 1526 पे, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए मंगोल डायनेस्टी आई, ठीक, किसने, ये नोमैडिक डायनेस्टी थी, ठीक, नोमैडिक डायनेस्टी थी, ये किसने फाउंड की, चंगेज खान, लेक्चर है लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। उसने 1205 में क्या किया, टाइटल लिया खान का, ठीक है, चंगेज खान हो गया, ठीक। यहां पे हम देखते हैं उसका वैसे ओरिजिनल नाम तिमुजिन था, यहां पे हम देखते हैं 1227 तक उसने सब कुछ जीत लिया था, सेंट्रल एशिया पे पूरा कब्जा कर लिया था, मतलब कुछ पार्ट्स बचे हुए थे बाद में उसके बेटों ने कब्जा किया। 1227 में चंगेज खान की डेथ हो गई, 4 बेटों को उसने एम्पायर सौंप दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो बहुत बड़ा मंगोल आया, जो बहुत बड़ा नोमैडिक एम्पायर आया, वो किसने एस्टैब्लिश किया था, तैमूर, ठीक, तैमूर ने एस्टैब्लिश किया था, और इसके एक बेटे का ही डिसेंडेंट था ये, ठीक है, उसी के नाम पे इसने पूरा एम्पायर चलाया था, और तिमुरी डायनेस्टी जो थी वो एस्टैब्लिश की थी 1405 तक। 1405 में तैमूर का अंत हुआ था, चाइना पे वो कंकर करने गया था और वहीं पे ही बीमार पड़ गया था, मर गया। तो तिमुरी डायनेस्टी जो थी वो पूरे सेंट्रल एशिया में फैली हुई थी, लेकिन जब तैमूर का देहांत हो गया तो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। तैमूर ने जो इतनी बड़ी तिमुरी डायनेस्टी सेंट्रल एशिया में बनाई थी, ठीक है, और ये पूरा सेंट्रल एशिया कवर करती थी, वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। हम ये देखते हैं कि उसके बाद ऑटोमान्स के पास कुछ पार्ट्स आ गए, उज़्बेक्स, सफाविद, तो ये तीन एम्पायर जो थे, ये तीन जो क्लैंस थे वो आपस में ही भिड़े हुए थे, सेंट्रल, ये पावर स्ट्रगल थी फॉर सेंट्रल एशिया। अब हम देखते हैं कि बाबर इसी
में से ही एक का था, उस्बेक्स था बाबर, फरजाना गांव का ये प्रिंस था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बाबर कौन था, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, समझ गए ना। तो एक तरीके से बाबर मंगोल था। तो यहां पे हम देखते हैं कि बाबर ने 1526 पर अटैक किया। अब जब बाबर आया, देखिए यहां पे बाबर 13 साल में प्रिंस बनाया गया था, तो वहां पे सेंट्रल एशिया में वो इतनी ज्यादा बार उसने लड़ाई लड़ ली थी कि वो आदी हो गया था लड़ाई लड़ने का, पावर स्ट्रगल चल रहा था दोस्तों। अब बाबर ने जब भारत को इन्वेड किया अफगानिस्तान के रास्ते, हालांकि आपको एक और चीज बता दो, 1505 तक उसने काबुल को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। तो जब बाबर ने भारत को इन्वेड किया, तो वो चाहता था कि खाली भारत से हम पैसे लूटेंगे, उसका ये कोई मंशा नहीं थी, ये कोई एम्बिशन नहीं था कि हम यहाँ पे रूल करेंगे, हम यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन जब 1526 में उसने जीत ली जंग, तब उसने बोला कि यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे भी हम लोगों को हरा सकते हैं। किस्मत का बाबर को बहुत ज्यादा साथ था। तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बाबर को इन्वाइट किया गया। अब बाबर आते हैं अपनी सेना लेके। बाबर की सेना दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मैंने फिर बता रहा हूं, मेरा पूरा इस पर सेपरेट लेक्चर आप देख लीजिएगा। बाबर अपनी पूरी सेना लेके आते हैं। बाबर की सेना होती है खाली 12,000, इब्राहिम लोदी की सेना होती है 1,00,000। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड होती है, वॉर एलिफेंट्स होते हैं, बड़े बड़े तीरंदाज होते हैं, घुड़सवार होते हैं। बाबर 13,000 क्या कर सकते हैं बाबर, देख आप खुद ही सोच रहे ना कि बाबर तो हारता ही हारता, इतनी बड़ी सेना से कहां पंगा लोगे। लेकिन बाबर जीता। अब कैसे जीता दोस्तों, ऐसा है कि जब ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, सबसे पहली बात तो ये है कि इब्राहिम लोदी सेना नहीं लेके आया था, इब्राहिम लोदी मेला लेके आया था। इब्राहिम लोदी में कोई ट्रेंड सोल्जर नहीं थे, उनके सोल्जर्स ऐसे ही थे, किसी को भी उठा के रिक्रूट कर लिया, कहीं से भी उठा के रिक्रूट कर लिया, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। ठीक है, वो चलिए एक बात है। दूसरी चीज ये है कि हम बाबर की अगर बात करते हैं, तो बाबर की जो आर्मी थी वो जबरदस्त थी, उसकी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। उसके भले ही 13,000 लोग थे, लेकिन एक एक इंसान बहुत ही एक्सपीरियंस था, लड़ लड़के वो आदि हो गया। तो दूसरी बात, मंगोलों की टैक्टिक्स आपको पता ही है, उनके जो धनुष बाण होते थे, जो आर्चर्स जो मतलब उनके हथियार होते थे, बहुत ही छोटे होते थे, ताकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से वार किए जा सके। ठीक है ना, तो हथियार में हम अगर बात करते हैं कि एम्यूनिशन है आर्टिलरी में, तो बाबर्स की आर्मी बहुत ऊपर थी। मुश्किल था हराना, इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बाबर की आर्मी जो थी वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड थी। दूसरी बात, बाबर ने गन पाउडर का यूज किया था भैया, यहां पे बंदूकों का तोपखानों का बाबर ने यूज किया था दोस्तों। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाबर बहुत ही एक क्या कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग से आया था। देखिए यहां पे हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना के पास थे वॉर एलिफेंट्स, तो बाबर, अब ये बाबर की सेना है, ये इब्राहिम लोदी की सेना है। बाबर ने क्या किया था, यहां पे गड्ढे खोद दिए थे और यहां पे गड्ढों के अंदर नुकीले हथियार लगा दिए थे। तो जब ये वॉर एलिफेंट्स आए तो इन गड्ढों में फंस गए। और उसके बाद जब देखिए, अगर एलिफेंट्स का क्या था कि वो अगर कंट्रोल में रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो भैया जिस सेना में है उसी को ही तबाह कर देंगे। तो जो तोपखानों की आवाज थी और यहां पे जो ट्रेंचेस में एक के बाद एक हाथी फंसते गए, इसकी वजह से हाथी बेकाबू हो गए, इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और पूरी तरीके से यहां पे लोदी डायनेस्टी ध्वस्त हो गई। अब इब्राहिम लोदी की एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इसके पीछे मेन लाइन थी, मेन सेना थी। ठीक है, इसने इसका इंतजार ही नहीं किया, इब्राहिम लोदी डायरेक्ट जाके भिड़ गया बाबर से, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी मार दिया गया। एक बार जनरल मार दिया गया, आप कुछ नहीं कर सकते, खत्म, वही बैटल खत्म, सुल्तान खत्म, बैटल खत्म, सेना वही सरेंडर कर देगी। बाबर को पता था कि ये 5 घंटे से ज्यादा जंग चली तो हम गए काम से। बाबर को पता था कि हम ज्यादा इसको चला नहीं सकते क्योंकि हम हार जाएंगे। बाबर की सेना ने यह भी बोला था, बाबर की सेना ने जब 1,00,000 की सेना देखी इब्राहिम लोदी की सेना, तो बाबर की सेना ने बोला था कि चलो घूम लिया, वापस चलते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मरेंगे। लेकिन बाबर ने बोला कि अब आए हैं तो लड़ के ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में मुकाबला होता है दोस्तों। इससे पहले बाबर ने 5 बार भारत को इन्वेड किया था, ये भी बता दूं, 5 बार उसने कोशिशें की थी, 6ठी बार था जब वो कामयाब हुआ था और उसमें बाबर जो है वो कामयाब रहा था। तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी और इब्राहिम लोदी अगर वेट करता अपनी मेन टुकड़ी का तो शायद वो बच जाता, लेकिन कहते हैं ना कि बेवकूफी और बहादुरी में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। यहां पे इब्राहिम लोदी के एक जनरल ने बोला था, एक सहायक ने बोला था कि आप
मैदान छोड़ के भाग जाइए, अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम इस जंग को जारी रख सकते हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी भागा नहीं, बोला कि नहीं बिल्कुल हम लड़ेंगे। एक बहुत ही गजब का शेर पड़ा और भिड़ गया जाके। उसके बाद इब्राहिम लोदी का सर काट के बाबर को पेश किया गया। ये जो मुगलों की सेना थी, बाबर की जो सेना थी और जो मंगोल से बड़े खतरनाक थे दोस्तों, सैवेज थे ये, इनोमैक्स थे तो, और इनकी जो टेक्निक्स होती थी बड़ी खतरनाक होती थी। ये बहुत क्रूरता से लोगों को मारते थे। तो ये क्या करते थे, दिखाने के लिए कि हम आ गए हैं तुम्हारी टेरिटरी में, ये सर काट के, हर किसी का सर काट के एक पिरामिड बना देते थे। मतलब लाशों से सरों को काटा और उसका एक पूरा पिरामिड बना दिया, ठीक है, इस तरीके से सरों का पिरामिड भंडार बना देते थे। लोग बहुत डर जाते थे और ये सिंबल होता था कि हम आ गए हैं, जो करना है कर लो। तो 1526 में दोस्तों भारत में एक नया इतिहास लिखा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई और यहां से ही मुगलों का साम्राज्य स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी बाबर को बहुत कुछ झेलना है, आगे आने वाले समय में उसको बहुत जंग लड़नी है दोस्तों। अब ये एक एक जंग को मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा अगली बायोग्राफी बाबर की। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।